पशुओं की बात पशुपालकों के साथ पशुपालन विकास में देखने वाले सारे भाइयों ने गुरमित कवि के हाथ जोड़कर राम राम नमस्कार है। आज फिर पहुँचे, एक वीडियो और कवर करी थी, वह वीडियो बनाते बनाते एक भाई पहुंच गया वहां, बोले भाई साहब मैंने भी सेल करनी है, वीडियो बनवानी है, कोई बात नहीं। तो एक ही गाँव से दो वीडियो हो गई हैं भाई, नया गाँव गाँव में है, नया गाँव में है, जाटो वाला बोला जाता है क्योंकि इधर का जो क्षेत्र है, इधर दो तीन नए गाँव हैं, तो इस कारण से नरेंद्र भाई के पास आप पहुँचे हैं। एक बहुत अच्छी बहस है तीसरे से चौथे लैक्टेशन की, और दूध की दृष्टि से, दूध की क्वालिटी से बहुत अच्छा पशुधन है। आज उसे पशुधन को आप लोगों को दिखाएंगे। नरेंद्र भाई तो आपकी मुलाकात कराओगे, बातचीत कराओगे, सारी बात जानेंगे, क्या रेट होंगे, कितने में सेल कर रहे हैं, कितना दूध दे रही है, सारी बातें जानने का आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। सारी वीडियो सारे भाइयों जरूर देखनी है। पशुपालक भाइयों, क्या आपका पशु समय पे हिट पे नहीं आ रहा है, हिट पे आने के बाद बार बार फिर रहा है या रिपीट हो रहा है, आपका पशु शरीर से कमजोर है, तो घबराइए नहीं, न्यूट्री डाइट खिलाइए, रोज 100 ग्राम दिन में एक बार चाट दलिए दाने में मिला कर दे, और छोटे बच्चों की अच्छी ग्रोथ के लिए भी न्यूट्री डाइट दे। आप इसे हर मेडिकल स्टोर से, ऑनलाइन या अमेजोन फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो, नीचे लिंक दिया हुआ है, चूक ना जाना, न्यूट्री डाइट खिलाना। नरेंद्र भाई राम राम। राम राम जी। एक बार दर्शकों को राम राम दे। नमस्कार जी सभी दर्शकों को। कौन सा गांव है नरेंद्र? नया गांव जाटोवाड़ा। जाटोवाड़ा रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। कितनी दूर पड़ता है रेवाड़ी से भाई साहब? रेवाड़ी से 45 किलोमीटर। उम्र देख रहे हो मैं, काफी होगी आपकी भी, मतलब काफी लंबा समय हो गया काम करते हुए। सेल परचेज का काम है जी, एक दूध बेचा करो? नहीं, दूध बेचते हैं। अच्छा अच्छा, अरे कहा पशु सेल परचेज भी करते हो? आप करते हैं। तो आज जिस पशु एक बेच परचेज कर देते हैं, एक बेच देते हो, मतलब सेल कर देते हो भाई? भाई साहब थोड़ा सेल परचेज में कंफ्यूज हो गए थे। ठीक ठीक ठीक। तो आज जिस पशुधन की आप वीडियो बनाने लग रहे हैं, कौन से ब्याह में बच्चा दिया इसने? ये चौथे ब्याह है जी। चौथे ब्याह, कितने दिन हुए हैं बच्चा दिए ने? अभी ये सुबह 4 बजे ब्याह है। आज सुबह 4 बजे बच्चा दिया है भाई, आप सभी के समक्ष देख सको। धार, अच्छा धार किसी है जी? बढ़िया है, दूध पौसा। अच्छा दूध पौसा, बढ़िया है। पिछले ब्याह तुम अपने पास ही थी? अपने पास, सरों से खारकी से। अब तक खारकी ने कितना दूध दिया फिर? इन्हें खारकी ने 15 किलो, और फिर दूजने ने, दूसरे ब्याह में दूजने ने 16-17 किलो, और तीसरे ने, तीसरे 20-21 किलो। 20-21 पिछली गई थी ईसा के खुआ दिया नरेंद्र भाई सिद्धि 20-21। देख लो सादे घर का चना चाट चूरी दलिया बिंदोड़ा ये। ठीक ठीक ठीक। दार पुसा की ओके है? हाँ, ओके। कितने टाइम के बाद इट माजे है जो ब्याह पच? एक महीने के बाद। हाँ जी। और पहले इट में ठहर जाए है? हाँ जी। ये जब तीसरे ब्याह में चौथे ब्याह के नाम किया इट, मतलब इट में आई, प्रेग्नेंट कराई? हाँ जी। जोटे तक कराई थी के? जोटे से। जोटे तक करा रखी है। गांव का जोटा? गांव का। पंचायती बोला प्राइवेट है जी? पंचायती। पंचायती बोला, उस बुल से भाई ने प्रेग्नेंट करा रखी है, चौथे ब्याह में बच्चा दे रखा है। तो केला का नरेंद्र भाई कितना दूध दे देगी अब की बार? अब के बार 20-22 किलो दे, 20-22 किलो दूध कम तक कम देने का काम करेगी। पशुधन आप सभी के सामने है, खुद भी देख सकते हो भाई, पीठ पुट्ठा है, अंडर क्वालिटी है, थना का डिस्टेंस है, चाहे सिंह का जो साइज है, वो वीडियो में आप लोग साफ साफ देख सको हो ना। तो आप किसी पशु को बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं ना, ज्यादा डाउन करके बता रहे हैं, जो वीडियो में है वो आप सभी के सामने है, नरेंद्र भाई के पास खड़े हैं। तो क्या कुछ बोलते होंगे नरेंद्र भाई, कितने में सेल करोगे? 1,30,000। 1,30,000 रुपये चौथे ब्याह में? इब तो खिस्त खाली नहीं करी, तो इब तो आप दूध के बताओगे भाई कितना दूध है मौके पे। आज सवेरे ही डिलीवरी हुई है, आज जो वीडियो बनाने लग रहे हैं भाई साहब की, 31 जुलाई ने शाम को 4:05 में वीडियो कवर होने लग रही है भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर भी आप जैसे भाइयों का प्रेम प्यार जो हमारी वीडियो को देखते हैं, सारे भाइयों के लिए लगातार मेहनत जारी है, कदे रेवाड़ी में, कदे जींद में, कदे पानीपत में, शायद ही कोई डिस्ट्रिक्ट रह रहा होगा जिस डिस्ट्रिक्ट में अपनी वीडियो नहीं बनी है, शायद ही कोई तहसील रही होगी, लगातार कोशिश रहती है पूरी टीम की आप लोगों तक अच्छी पशुधन दिखाएँ, अच्छा अच्छा पशु दिखाएँ, ताकि जिस भाई को पशु लेने हैं उस भाई की खोज हमारी वीडियो देख कर समाप्त हो जाए, उस भाई को कहीं ज़्यादा धक्के न खाने पड़े। तो इसी पर्पज से हमारी वीडियो थी, नरेंद्र भाई के पास है, 1,30,000 रुपये भाई ने कीमत बताई है, बाकी रेट आप लोगों ने डिसाइड करना है, कितने क्या क्या पशुधन है। दूसरी बात, चौथे ब्याह में बच्चा दे रखा है, तीसरे ब्याह में दे रही है 20 किलो दूध दे रही है जी, 20 किलो दूध निकाल रही है। मोबाइल नंबर बता दो जी अपना। 98134-68405। 98134-68405 भाई का मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप का भी नंबर है जी। हाँ जी। शिव मंदिर के पास अपना मकान है, शिव मंदिर के पास भाई का मकान है, जो भी पशुपालक नया गांव जाटे वालों में आवे भाई से संपर्क कर सकता है, जिस भाई का पशुधन समझ में आवे, पशुओं की बात पशुपालकों के साथ पशुपालन विकास मंदिर देखने वाले सारे भाई ने राम राम भाई। राम राम जी।